आइए हम लोग फूड मिक्सर ग्राइंडर के बारे में जानेंगे, जो घरों में जो मसाला पीसने का काम करता है उसका सर्किट डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज है सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ फूड मिक्सर। देखेंगे हमको फूड मिक्सर चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज दो लाइन देना पड़ता है। हम लोग एन से शुरुआत करेंगे, जो न्यूट्रल है ऊपरी भाग में देखेंगे, कॉइल वन है, आर्मेचर है, कॉइल टू और कॉइल थ्री है। न्यूट्रल भाग से हम लोग कॉइल वन में एक छोर पर देंगे, कॉइल का दूसरा छोर जो है वो हम लोग आर्मेचर के पहले छोर पर दिए और आर्मेचर के दूसरा छोर जो है वो सीधा हमारा पुश बटन या रोटरी कन्वर्टर टाइप का हमारा कॉन्टेक्टर स्विच होता है जो कॉन्टेक्ट करता है अलग अलग पिनों को, जिसमें एक दो तीन पिन है और एक पिन कॉमन होता है जो कि फेस सप्लाई को टच कराता है। वहाँ से हम जो है आर्मेचर के दूसरे छोर से तीसरे नंबर पर जो पुश बटन है उसके एक छोर पर दिए और दूसरा छोर से उसका हम लोग कॉइल जो दो और तीन शॉर्ट है ऊपरी भाग में देखेंगे, दो कॉइल जो है वहाँ से हम लोग दूसरे भाग में दे दिए और कॉइल का जो तीसरा कॉइल का अंतिम सिरा जो है वो हम उस बटन के छोर वन पर दे दिए हैं। और फेस सप्लाई जो है ओवरलोड रिले छोटा सा लगा हुआ रहता है मिक्सर ग्राइंडर का, नीचे आप देखेंगे तो पुश करने ओवरलोड हो जाएगा तो उसका एक बटन होता है जो बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग पुश करते हैं तो फिर कॉन्टेक्ट हो जाता है। ये ओवरलोड जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें डाल देते हैं, मिक्सी नहीं चलता है तो ओवरलोड हो जाता है और वो बंद हो जाता है मिक्सर। तो वो एक आया है रोटरी कन्वर्टर के जो है आपका पुश बटन के कॉमन छोर पर आया है जो कि वन टू थ्री से कॉन्टेक्ट करता है। इसको ध्यान से देखेंगे और फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, एक एक भाग को अच्छी तरह से समझेंगे चित्र के अनुसार जैसा बताया गया है। हमारा ऊपरी भाग में हम देखेंगे जो न्यूट्रल गया है कॉइल वन और आर्मेचर सीरीज में है और कॉइल टू और थ्री हमारा सीरीज में है, वहाँ से तीन तार आया है और यहाँ से हमारा एक तार आया हुआ है आर्मेचर से। इसको समझेंगे सर्किट डायग्राम का, कोई विशेष इसको हम लोग सर्किट डायग्राम में उलझन नहीं है, अगर हम बढ़िया समझें तो पूरा इसके सर्किट डायग्राम को समझकर अंदरूनी भाग को हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। आइए हम देखें, मिक्सर ग्राइंडर को पूर्ण रूप से खोला है, सारे इसके अंदर के भागों को हमने बाहर की तरफ निकाला है। इसके अंदर जो है हमारा जो कॉइल है कॉइल को हमने निकाला है, आर्मेचर को निकाला है जो घूमने वाला भाग है और ये आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए होल्डर है, इसमें कार्बन होता है दो कार्बन और ये जो है ये कार्बन ब्रश होल्डर बोला जाता है। ये हमारा जो है ये लोड ओवरलोड रिले है, ये देखेंगे हर मिक्सर के नीचे वो लगा रहता है, ये पुश किया जाता है, जब ओवरलोड हो जाता है तो ये बाहर की तरफ निकल जाता है, फिर पुश करते हैं तो सप्लाई से ये कॉन्टेक्ट हो जाता है। सारे भागों को हमने निकाला है, अब हम देखेंगे चित्र वन की में जो हमने देखा एक कॉइल, उसमें एक कॉइल आर्मेचर के सीरीज में था, ये वो कॉइल है, इसको हम चेक करेंगे टेस्टिंग लैंप से। ये हमारा कॉइल सही बता रहा है, ये देखेंगे फिर से एक बार देखेंगे, ये हमारा कॉइल एक तरफ का सही बता रहा है। अब हम दूसरे तरफ के कॉइल को जो हमारा एक कॉइल, कॉइल दो और कॉइल तीन, तो कॉइल दो का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है और शॉर्ट कराने के बाद तीसरा सिरा ये है। हम लोग बीच में शॉर्ट करा के एक तार निकाला है रेड, इसको अब टेस्ट करेंगे हम आपस में, ये बताना चाहिए, ये बता रहा है ये पहला और ये दूसरा तार है, ये दूसरे कॉइल का पहला दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ये सीरीज में लगा हुआ है और ये इसी में हम लोग दो तार कॉइलों को वाइंडिंग कर दिए हैं, इसी में दो कॉइल का छोर है। इस तरह से हम लोग टेस्ट करके कंफर्म हो लिए ये भी कॉइल हमारा जो है सही है। अब चित्र में हम लोग क्या देखें कि हमारा जो प्रथम सिरा है वो कॉइल का, ये हमारा सप्लाई के लिए चला जाता है और ये सप्लाई में एक हमारा ओवरलोड रिले के ये दो छोर इसमें है, एक छोर पर आकर लग जाता है, ये एक छोर पर आकर लग जाता है।
इसका जो दूसरा छोर है यहाँ से फेज सप्लाई के लिए निकल जाता है, यानी कि इस पर हम लोग फेज दे देते हैं, और जो इसका दूसरा छोर है ये हम लोग इसको अर्मेचर पर सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे, इस होल्डर को जोड़ेंगे, शोल्डर को जोड़ेंगे, ये हम लोग अच्छी तरह से इसको जोड़ेंगे कनेक्शन। ये हमारा क्वाइल जो है ये अर्मेचर के सीरीज में आ गया, ये अर्मेचर जो है ये इसके बीच में रहता है, इसमें कार्बन होता है इसके अंदर, और इसके एक छोर पर अर्मेचर में क्वाइल वाइंडिंग है, देखेंगे ठीक से, ये क्वाइल के सिरे से होते हुए सेगमेंट जो है इसका है, ये यहाँ से होते हुए ये सीधा कम्यूटेटर है, ये यहाँ से होते हुए सीधे दूसरे छोर पर, यानी कि ये होल्डर जो है इसके यहाँ जब ये लगता है तो ये यहाँ से होते हुए इसके दूसरे छोर पर चला आता है, और यहाँ से फिर ये सप्लाई निकलना शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। जैसा कि हम लोग अर्मेचर को टेस्ट करेंगे, ये किस तरह से होल्डर से अपना घूमता है तो सप्लाई दोनों तरफ आता है, देखिए ये अर्मेचर से सप्लाई एक तरफ दिया जा रहा है सीरीज टेस्टिंग लैंप से, दूसरी तरफ से निकल रहा, उसी तरह से सप्लाई जो है यहाँ जब हम दिए हैं तो ये अर्मेचर के वाइंडिंग से होते हुए यहाँ से फिर बाहर की ओर निकलता है, और बाहर की ओर जब निकलता है तो हमने वहाँ चित्र में क्या देखा था कि एक जो है रोटरी स्विच या पुश बटन के तीसरे नंबर पर आया था, ये देखेंगे हमारा रोटरी स्विच है, इसमें हमारा चार पिन दिया हुआ है, लेकिन हमने दो पिन को शॉर्ट करा के एक पिन बना दिया है और बाकी दो पिन ओपन है, तो ये हम पहला पिन मानेंगे, ये दूसरा पिन मानेंगे, और ये जो है तीसरा पिन मानेंगे। तो हमने देखा था अर्मेचर होल्डर से होते हुए ठीक चित्र में ये सीधा तीन नंबर पिन से जुड़ा था, तो ये तीन नंबर पिन हमारा यहाँ खाली है, यहाँ तीन नंबर में हमारा चला जाएगा, यहाँ हम जोड़ देंगे चित्र के अनुसार। ये जो क्वाइल का बीच का जो सिरा है रेड वायर, आपने देखा था बीच से शॉर्ट कराकर हम लोगों ने रोटरी के दो नंबर पिन पर हम लोग दिए थे, तो हम लोग इसको रोटरी के दो नंबर पिन पर, ये दो नंबर पिन है खाली है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे। जैसा कि चित्र के अनुसार ये हमने क्वाइल का जो बीच का दो और तीन का जो बीच में शॉर्ट था उसको ले आके रोटरी के दूसरे नंबर पर हम लोग जोड़ दिए। जो तीसरे क्वाइल का ये अंतिम छोर जो बचा, हम लोग देख रहे हैं कि वो एक नंबर पिन पर गया है, तो हम लोग जैसा चित्र में दिया हुआ है हम लोग वैसे ही जोड़ देंगे इसको, हम लोग इसको फिर एक नंबर पर रोटरी का जोड़ेंगे। हमारे पास पुश बटन नहीं है, रोटरी टाइप में है, ज़्यादातर मिक्सर ग्राइंडर में आजकल रोटरी ही आ रही है, रोटरी के पहले छोर पर हम लोग जोड़ देंगे, पहले छोर पर इसको हमने लगा दिया, ये हमारा कनेक्शन डायग्राम जो है पूरा हो गया। इसी तरह से हम इसका चेक करके एक एक पार्ट का, एक एक क्वाइल को हम लोग रिपेयरिंग के समय चेक करेंगे, ये आर्मेचर हो गया, ये क्वाइल हो गया, ये इसका सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन हो गया। ये जो कार्बन ब्रश आप देख रहे हैं, ये होल्डर है, इसमें एक कार्बन जो कि बाज़ार में मिलती है इसी के साइज का ये होल है, इसमें स्प्रिंग होता है, कार्बन बाहर की ओर निकला रहता है जो कि इस अर्मेचर के इस कम्यूटेटर भाग को जो है इसमें ये दोनों साइड से इस तरह से सप्लाई देकर पकड़ा हुआ रहता है, और ये बीच में ये घूमता है, ये घूमेगा और यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से सप्लाई निकलकर जैसा कि हमने पहले बताया था
वो सीधा इसी तरह से कनेक्शन चला जाएगा। और ये जो रोटरी है, अब इसमें फेज सप्लाई हम लोग देंगे, तो जब फेज लाइन सप्लाई देंगे, फेज सप्लाई, तो हम लोग जो है, जो पहले हम बताएं कि जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसका एक छोर में फेज देंगे, चित्र में जो आप देख रहे होंगे, दूसरे छोर से जो तार हमारा निकलेगा वो तार हम यहाँ पर, ये कॉमन जो है ये अलग से है, देखिए ये सब सीरियल में है, ये सब सीरियल में दिया हुआ है, तो एक दो तीन चार, तो दो को मिला के हम एक बना दिए, एक नंबर पिन बना दिए, और दो खाली रख के तो दो और तीन हो गया, और एक अलग से देखिए इसमें दिया हुआ है, एक अलग से पिन दिया हुआ है, ये कॉमन पिन है, इसमें हम लोग फेज देंगे। तो ये जब हम घुमाएंगे इसको रोटरी को, तो ये जो है एक पर कनेक्ट करेगा, फिर दो पर करेगा, फिर तीन पर करेगा, तो यानी कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मिक्सर ग्राइंडर में प्रतिरोध जो है घटता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसके चलते इसका स्पीड जो है घटेगा और बढ़ेगा। यही हमारा कनेक्शन है, इसे हम देख कर भी जोड़ सकते हैं, हमने अभी चेक करके सारी भागों को बताया, आपको अच्छी तरह से दिखाया, ऐसे देख के कनेक्शन करेंगे तो हमारा सप्लाई पूरा हो जाएगा। और एक एक भाग को हम लोग चेक कर लिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने इसको जोड़ दिया, कनेक्शन करके सारे मशीनों को इसमें हमने फिट कर दिया है, केवल कनेक्शन वही रहेगा, बाकी सारे उपकरणों को हम लोगों ने फिट कर दिया, ऊपर से रोटरी का नॉब लगा दिया, और ये जो ओवरलोड रिले है ये यहाँ नीचे की भाग में लगी हुई है, देखेंगे ये ओवरलोड होता है तो बाहर निकल जाता है, और फिर हमने इसको कस दिया सारे भागों में लगा के बॉडी के अंदर, हम लोग इसको सप्लाई दिए, सप्लाई देके जब हम लोग रोटरी को पहला भाग में घुमाते हैं तो ये कुछ धीरे चलेगा, फिर स्पीड दूसरा हम लोग घुमाएंगे ये कुछ तेज हो जाएगा, और जब तीसरा घुमाएंगे तो ये पूरे हाई पर चलेगा। इस तरह से हम लोगों ने सीखा, इस तरह से हम लोग इसका ज़्यादातर, इसका 90% खराबी जो है ये हमारा होल्डर में ही होता है, जो हमने पहले पूर्वतर दिखाया था ये होल्डर, इसमें जो कार्बन ब्रश में अर्मेचर घूमता है 90% यही घिस जाता है और ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग इस भाग से अंदर डाल के, यहाँ तार लगी हुई होती है, अंदर डाल के यहाँ से लॉक कर देते हैं, लॉक करने के बाद ये अंदर स्प्रिंग के साथ कार्बन ब्रश है, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा, इसको घिस जाता है तो हम लोग दूसरा ले आके लगा देते हैं, इसमें इस तरफ से लगा देंगे।